जहां मांगने वालों को ही डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ईपीएस पेंशन का जो भोगी है, जो रिटायर पेंशन उठाता है, उसका 15 और 20 के लाख के बीच 20 लाख के बीच कंट्रीब्यूशन राशि कटा और उसको एवज में हमें पेंशन 1000 से 2500 के बीच दिए जा रही है। जो सोचना उनको पड़ता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो देख के और हमारी ज़रूरतें देख के जो उसमें एमिकेबल सॉल्यूशन होगा उसको हम निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। केंद्र सरकार के कामों की बात करी जाए तो लगातार कामों के गुणगान बहुत होते हैं। बात होती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए, इस देश के 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम करती आई है, लेकिन जब कुछ ज्वलनशील मुद्दे उठते हैं तो सरकार शायद चुप्पी साध लेती है। यही वजह है कि पिछले ना जाने कितने सालों से मेरे साथ यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स खड़े हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती है। जी हाँ, बात है ईपीएस को लेकर के कि कितना पैसा आज भी जो है सरकार के पास फंसा हुआ है, लेकिन आज पेंशन के नाम पर उन्हें क्या दिया जाता है, आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार सवाल जो है वो बरकरार है और ये मांग भी है कि आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी। क्या कुछ लग रहा है सर, लगातार महीने भर से ज़्यादा हम देख रहे हैं आपको कि आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुबुगाहट नहीं? नहीं, कल आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से हमारी मुलाकात हेमा मालिनी जी के द्वारा चीफ सेक्रेटरी लेबर से हुई और सेक्रेटरी लेबर, जॉइंट सेक्रेटरी लेबर, CPFC के अधिकारी, इनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि जल्दी से जल्दी इसका प्रपोजल तैयार किया जाएगा और वो प्रपोजल तैयार करने में CPFC के ऑफिस के ऑफिसर्स के साथ हमारे NSE के भी टीम रहेगी और दोनों मिलके जॉइंट प्रयत्न करके, साथ में प्रयत्न करके एक वर्केबल सॉल्यूशंस इसमें पेश करेंगे। तो अभी उसके लिए अगले हफ्ते का टाइम दिया है, तो हम लोग थर्सडे को आएंगे यहाँ पे, थर्सडे फ्राइडे, दो दिन में हम उनके साथ बैठकर प्रपोजल्स, वर्केबल जो प्रपोजल्स है वो तैयार करेंगे। वो ये देखेंगे कि कितना पैसा VPFO में है, कितना ब्याज है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, ब्याज कितना है और कितना पेंशन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या केवल ऐसा तो नहीं कि आश्वासन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रह जाएंगी या कुछ अमल भी होगा? नहीं, ये मैं सोचता हूँ कि अच्छी पॉजिटिव स्टेप है कि जहाँ मांगने वालों को ही डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे अभी अगर जो उनकी समस्याएं हैं, लॉन्ग टर्म जो सोचना उनको पड़ता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो देख के और हमारी ज़रूरतें देख के जो उसमें एमिकेबल सॉल्यूशन होगा उसको हम निकालेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कुछ फंड हम मांग सकते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है सर, लगातार ये मुद्दा जो चल रहा है, अभी तक का कितना पैसा अभी जो है सरकार के पास है जिसकी बात हो रही है और पेंशन के नाम पर आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखो, ऐसा है कि हमारे प्रत्येक EPS पेंशन का जो भोगी है, जो रिटायर पेंशन उठाता है, उसका 15 और 20 के लाख के बीच 20 लाख के बीच कंट्रीब्यूशन राशि कटा और उसको एवज में हमें पेंशन 1000 से 2500 के बीच दिए जा रही है, जो हमारा ब्याज का सही पैसा भी हमें नहीं दिया जा रहा, इसी बात का हमारा विरोध था। 1000 से 2500, ये आपकी महीने की पेंशन आती है? और तनख्वाह कितनी थी आप लोगों की? और कोई अलग से कोई दिए हुए नहीं है, सिर्फ सूखी ये 2500 पेंशन है, 2500 है, किसी की 1700 है, 1171 एवरेज पेंशन है पूरे हिंदुस्तान में, 1171। और जब आप लोग कार्यरत थे तो उस दरमियान आपकी तनख्वाह कितनी थी? अब किसी की 90000 थी, किसी की 80000 थी, 50000 थी, 30000 थी, अपने अपने जॉब के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पेंशनें थी। ये सब भारत के पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के कामगार हैं, लेकिन पेंशन का तो मतलब कि सैलरी का आधे का आधा भी नहीं मिल रहा है। सैलरी के 10% नहीं मिल रहा है, 10% नहीं, 5% नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इसलिए आंदोलन 8 साल से हम चला रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी 2 बार मुलाकात हुई, उन्होंने भी दोनों बार हमें आश्वासित किया है कि हम आपका काम करेंगे और उस हिसाब से अभी यहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और अभी कल चीफ सेक्रेटरी और सभी से हमारी मुलाकात हुई, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, उस पर हम अमल करेंगे।
क्या लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का जो है निर्णय निकलेगा, हल निकलेगा कि या वाकई ऐसे ही 1000-2000 के भीतर ही आप लोगों का उम्र कटेगा? नहीं, ऐसा है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कल जो हमारी मीटिंग हुई है आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, ISI लोगों के साथ और हेमा मालिनी जी के अगुवाई में, उन्होंने पूरा टाइम दिया है, वो पूरी मीटिंग में हमारी बैठी रही हैं और उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक जो है हमारी एक और मीटिंग होगी जिसके अंदर कोई ना कोई फाइनल सोल्यूशन निकल जाएगा, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। तो देखिए, ये वाकई अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और उसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन सोचने वाला विषय है कि आज के समय जिसका 10,000 रुपये से घर नहीं चल पाता है और इन्हीं बुजुर्गों के खातों में 1000-2000 रुपये महीने की पेंशन आती है, यकीनन क्या वाकई ऐसे देश चलेगा? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल महरोल के साथ आस्था तिवारी।